क्या समूह की महिलाओं को रिवॉल्विंग फंड वापस करने पड़ेंगे? समूह के खाते में जो 15,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड यानी आर्या फंड के रूप में जो सरकार देती है, उन पैसे को वापस करना है या नहीं करना है? करना है तो कब करना है, नहीं करना है तो कब नहीं करना है? आइए पूरी जानकारी वीडियो में देते हैं। वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी वीडियो में देंगे। उससे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोगों में से बहुत सारे 60-70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन लगातार वो वीडियोस को वॉच करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। जानकारी पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वयं सहायता समूह में जो रिवॉल्विंग फंड यानी कि आर्या फंड आपको दिया जाता है 15,000 रुपये, उसको क्या आपको वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या फिर समूह जैसे बंद करने लगते हैं आपको नहीं चलाना है तो क्या वो आर्या फंड का क्या होगा फिर? ठीक है, आइए जानते हैं वीडियो में, पूरी जानकारी देखते रहिए। और ये अपडेट 5 अगस्त की है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। स्वयं सहायता समूह में रोजगार देने हेतु आर्या फंड दिया जाता है। इसकी धनराशि जो होती है वो होती है 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये आपके समूह के अकाउंट्स में आए होंगे, नहीं आए हैं तो बताइएगा। यह धनराशि से आप कोई भी रोजगार छोटा मोटा कर सकते हैं। चाहेंगे यहाँ पर कि समूह में रिवॉल्विंग फंड पहले जान लेते हैं आप, उसके बाद बात करेंगे आगे। ठीक है, स्वयं सहायता समूह गठन के 6 महीने पश्चात समूह को रोजगार अथवा आर्थिक संकट से निपटने के लिए 15,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। इस धनराशि को रिवॉल्विंग फंड कहा जाता है। यह धनराशि स्वयं सहायता समूह को तभी प्राप्त होती है जब समूह पूरी तरह सक्रिय रूप से चल रहा हो, समूह में पंचसूत्र नियमों का पालन हो रहा हो। इस 15,000 की धनराशि को समूह की महिलाओं को बैंक को वापस करना होता है। ठीक है, ये 15,000 आपको वापस करना पड़ेगा। स्वयं सहायता समूह बंद करने पर आरएफ यानी रिवॉल्विंग फंड यानी कि 15,000 रुपये का क्या होगा? अगर आप स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं और किसी कारणवश आप समूह को बंद करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है? तो अगर आप बंद करना ही चाहते हैं और अपने ऊपर बताए गए आरएफ रिवॉल्विंग फंड ले रखा है या धनराशि को आप समूह की महिलाओं में बांट चुकी हो, समूह बंद करने पर आपको इस धनराशि को भारत सरकार यानी कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बैंक को वापस करने होंगे। ठीक है, ये 15,000 रुपये जैसे कि आपने आपस में बांट लिए थे जब आए थे तो ये पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। बैंक इस धनराशि को कोई रोजगार शुरू करने के लिए देती है। ठीक है, अतः इस धनराशि को वापस लौटाना होता है। स्वयं सहायता समूह से क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये भी आप जान लीजिए। स्वयं सहायता समूह के गठन के 3 से 6 महीने बाद समूह को लाभ मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। समूह गठन के बाद बहुत से फायदे समूह के सदस्य को दिया जाता है। आइए जानते हैं स्वयं सहायता समूह गठन के बाद समूह की महिलाओं को क्या क्या लाभ मिलते हैं। स्वयं सहायता समूह में रोजगार हेतु हम लोन कैसे ले सकते हैं तो इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि लोन हेतु क्या प्रावधान रखा गया है। स्वयं सहायता समूह के गठन के बाद महिलाओं को रोजगार प्रारंभ करने हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है। अगर आप किसी बैंक से व्यक्तिगत कार्य हेतु लोन लेते हैं और आपको बैंक को 7% से लेकर 12% अथवा 15% तक ब्याज देना होता है, लेकिन स्वयं सहायता समूह के जरिए लोन लेने पर ग्राम संगठन के द्वारा आप इतने तक का लोन 4% से लेकर 5% या 7% तक के ब्याज दर पर ले सकते हैं। ऋण चुकाने की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। स्वयं सहायता से लोन 7% की ब्याज दर पर बैंक प्रदान करता है जिसमें 2 या 3% ब्याज दर भारत सरकार की तरफ से वहन किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बताया गया है कि जैसे अगर आप जब समूह बंद करने लगेंगे उस वक्त आपको ये पैसे जमा करने पड़ेंगे। मैंने आपको जैसे कि वीडियो में बता दिया, समझा दिया रिवॉल्विंग फंड को लेकर के पूरी जानकारी। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे की और भी अपडेट्स पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।